नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। कैसे आप सब, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि माँ लक्ष्मी की, माँ गायत्री की, भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरस रही होगी। और आज हम बात करेंगे श्री विष्णु गायत्री मंत्र का लगातार 3 महीने तक जाप करने से क्या होता है, क्या लाभ प्राप्त होते हैं, जीवन एक भक्त का किस दिशा में आगे बढ़ जाता है, कैसे सारे के सारे दुख दूर हो जाते हैं। देखिए, श्री भगवान विष्णु जी जगत की पालन करता है, ये हम सभी जानते हैं। शक्ति का पालन पोषण जिस जीवन में, जिस मृत्यु, जो कि ये सभी भगवान विष्णु के ही हाथ में है, भगवान विष्णु में ही ये सारी चीजें समाहित है। क्या जीवन, क्या मृत्यु, ये सारी चीजें भगवान विष्णु के हाथ में है। उनकी उपासना से, उनकी आराधना से और उनकी स्तुति करने से हमेशा जो फल मिलता है वो हमें आगे बढ़ाता है। कहने का मतलब है कि यदि हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनकी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो जो परिणाम रहेगा वो हमेशा फलदायी रहेगा। श्री भगवान विष्णु की स्तुति और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप इस खास मंत्र का जप कर सकते हैं। देखिए, आज मैं आपको एक खास मंत्र बताने वाला हूं, एक ऐसा मंत्र जिसके माध्यम से आपकी जीवन आपका बदल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप उस मंत्र की महिमा को जानिए कि आखिर वो मंत्र इतना खास क्यों है। श्री विष्णु गायत्री मंत्र का जप करने से अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। श्री विष्णु गायत्री मंत्र के जप से भगवान विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है। और एक बार यदि भगवान विष्णु की कृपा हमें प्राप्त हो गई तो हमें जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ना है। मनुष्य को आत्मिक शांति प्राप्त होती है, उसके जीवन से अंधकार सारा दूर हो जाता है, मानसिक एकाग्रता बढ़ जाती है। मानसिक एकाग्रता बढ़नी इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि हमें भगवान विष्णु के इस मंत्र का जप करना है तो हमें मानसिक एकाग्रता होना, मानसिक एकाग्र होना बेहद जरूरी है। रोगों से, कष्टों से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु विष्णु गायत्री मंत्र के नियमित रूप से, नियम के अनुसार हमें इसे जप करना चाहिए। अब ये मानकर चलिए कि यदि आप जप करते तो सारे आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे, आपके दुख दूर हो जाएंगे, आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीजें भी आपको मिलेंगी, लेकिन उसके पहले हम यदि विधि जान लेते हैं, क्योंकि यदि मंत्र हम जान रहे हैं और यदि मंत्र का सही विधि विधान से हम पूजा अर्चना नहीं कर रहे हैं तो हमारी पूजा सही दिशा में आगे नहीं बढ़ती है। ये जानना बेहद जरूरी है क्योंकि बिना सही विधि के पूजा हमारी सही दिशा में जाती है या नहीं जाती है, ये मैं आपको बताता हूं। क्योंकि हमारी पूजा सही दिशा में नहीं जाती, इसलिए यदि आप किसी भी मंत्र का जप कर रहे हैं तो आपको सही दिन मालूम होना चाहिए, सही विधि मालूम होना चाहिए। देखिए, गुरुवार का दिन अति उत्तम माना गया है। प्रातः काल और संध्या काल गायत्री विष्णु मंत्र का जप करने के लिए बेहद अच्छा समय माना गया है। कई भक्त हमसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर सही समय क्या रहता है, तो सही समय भी मैंने आपको बताया और सही दिन भी मैंने आपको बताया है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। इसके अनुसार यदि आप पूजा करेंगे तो वो आपकी पूजा सही दिशा में आगे बढ़ेगी। ये मान सकते हैं कि इसके बाद यदि हमारी पूजा सही दिशा में आगे बढ़ती है तो हमें जो लाभ मिलने वाला होता है, हमें जो श्रद्धा प्राप्त होने वाली है, वो एक सही समय पर मिलती है। यदि आप सही दिशा में पूजा नहीं कर रहे हैं, पूजा में गलती कर रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि आप कहीं भटक रहे हैं। हमें भटकना नहीं, हमें सही दिशा में आगे बढ़ना है। देखिए, पूर्व दिशा में आप अपना आसन लगाइए, भगवान विष्णु की प्रतिमा को अपने सामने रखिए, यह मैं विधि आपको बता रहा हूं। उनको पीला पुष्प बहुत पसंद है तो कोशिश करिए कि पीला पुष्प चढ़ाएं। आंख बंद करके श्री भगवान विष्णु का स्मरण करिए, ध्यान करिए। ध्यान इस प्रकार करिए, आप मुद्रा में बैठ जाइए, उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, मन ही मन, मन ही मन आप प्रार्थना करें। आप ये ध्यान करें कि भगवान विष्णु ने कितने ऐसे असुर हैं, कितने ऐसे दैत्य हैं जिनको मारा है, और उसके बाद सभी वेदों का उन्होंने उद्धार किया है, सभी सही चीजें उन्होंने मनुष्यों को दी हैं, ऐसे कितने ही राक्षस हैं जिनको मारा, उनका उद्धार किया, ब्रह्मा जी को सभी वेद प्रदान किए, उन्हीं आदि श्री विष्णु जी को मैं वंदन करता हूँ। ये तमाम चीजें मन में आप सोचिए और उसके पश्चात मंत्र का आप पाठ करिए, 108 बार करिए, 159 आप माला कर सकते हैं। देखिए, माला का सही ज्ञान इसलिए होना जरूरी हो जाता है क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर माला हमें कब करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, तो ये संख्या आपको पता होना बेहद जरूरी है। तो आप चाहें तो 108 बार कर सकते हैं, 159 बार कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं कि वो दिव्य मंत्र आखिर कौन सा है जिसका जप करने से आपका जीवन बदल जाएगा,
इस मंत्र को मैं बताने वाला हूं, चाहे तो आप इस मंत्र को लिख सकते हैं, ना चाहे तो ये मैं पूरा जानकारी जो है मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वो मंत्र है ओम नारायणाय विघ्नहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। सबसे पहले तो इस मंत्र का आप जप करिए, यदि आप पूजा करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं इस मंत्र की, आप अपने घर में रोज पूजा अर्चना करते हैं, तो आप कोशिश करिए कि इस मंत्र का सही तरीके से जप करिए, अनुवाद सही रखिए और उसके बाद अपनी पूजा की शुरुआत करिए। कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने 3 महीने तक इस मंत्र का जप करा और उसके बाद उन्होंने देखा कि उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है, और वो परिवर्तन इसलिए आया है क्योंकि उनको पता था, उनको श्रद्धा थी, उनकी भक्ति थी कि आखिर हमें भक्ति के मार्ग पर आगे कैसे बढ़ना है। और ये सारी चीजें हमारे हिंदू सनातन धर्म में लिखी हुई हैं, उसके माध्यम से आपको खुद पता चल जाएगा कि आखिर हमारी पूजा यदि सही दिशा में जानी है तो उसके लिए आखिर हमें करना क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विधि विधान के साथ अपने मन को साफ करने के बाद, अपने शरीर को साफ करने के बाद आप पूजा के स्थान पर बैठ जाइए। मान लीजिए कि ये आपका पूजा का स्थान है, ये आपका मंदिर है, यहाँ पर आप बैठिए, एक आसन लगाइए। कोशिश करिएगा कि जब भी आप पूजा करते हैं तो उस वक्त आपके शरीर का किसी भी अंग सीधे मां धरती को टच ना करे, स्पर्श ना हो। ये माना जाता है और ऐसा भी हमें जानकारी है कि जब भी आप पूजा करने बैठते हैं और यदि आपके शरीर का कोई भी अंग यदि धरती को टच करता है तो जो आप में सकारात्मक ऊर्जा एक भरती है, वो ऊर्जा आपकी चली जाती है, वो ऊर्जा धरती को स्पर्श करने के बाद विभाजित हो जाती है। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि सबसे पहले हम इतने बड़े आसन पर बैठें जिसके माध्यम से हम पूरी तरीके से उस आसन पर हमारी मुद्रा में, जैसा कि आलती पालती मारकर हम बैठते हैं, हाथ जोड़कर हम बैठते हैं, अच्छे से हम उस आसन पर बैठ सकें। उसके बाद कोशिश करिएगा कि हमेशा जब भी पूजा करें पूर्व दिशा की ओर करें, क्योंकि पूर्व दिशा का सभी दिशाओं में बेहद खास महत्व है। आप विष्णु जी की प्रतिमा सामने रखिए। विष्णु जी की प्रतिमा यदि आपके पास नहीं है तो आप बाजार से जाकर विष्णु जी का कोई चित्र भी ला सकते हैं, उसे वहां पर रखिए। और उसके बाद आप ये कोशिश करिए कि आप पीला फूल जो होता है वो भगवान विष्णु को बेहद प्रिय होता है, तो कोशिश करिए कि पीला फूल भगवान विष्णु को चढ़ाइए। और उसके बाद सच्चे मन से प्रार्थना करिए कि हे भाग्य विधाता, हे भगवान विष्णु, आपने इतने राक्षसों का उद्धार किया है और जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे मन में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत जो भी आपको कष्ट है वो आप कष्ट अपने भगवान विष्णु के सामने रखिए। और उसके बाद इस मंत्र का, जो कि मैंने आपको बताया है, इस मंत्र का आप जप करिए, विधि विधान के साथ जप करिए। एक चीज़ आप बहुत दिमाग में साफ रखिएगा कि जब भी आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपका ध्यान इधर उधर ना जाए। देखिए यदि आपका ध्यान भटक जाएगा तो क्या होता है कि जो हमारी पूरी सकारात्मक ऊर्जा है वो कहीं और चली जाती है, तो हमें पूरे सकारात्मक ऊर्जा के साथ करना है। और देखिए ये भी एक बात साफ है कि आपको सिर्फ 3 महीने तक इसे जप नहीं करना है, आप चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं, आप चाहें तो इसे कम भी कर सकते हैं। देखिए कोई भी भगवान हो, वो माता रानी हो, विष्णु जी हो, वो गणेश जी हो, शिव जी हो, कोई भी भगवान हो, वो ये नहीं कहते हैं, ना ही वो ये चाहते हैं कि हमारा कोई भी भक्त लगातार 108 बार जप करे, 3 महीने तक पूजा करे, 1 महीने तक पूजा करें, साल भर पूजा करें। देखिए वो सिर्फ यही चाहते हैं कि आप सच्चे मन से पूजा करिए, जितनी भी देर आप पूजा कर रहे हैं उतनी देर सच्चे मन से पूजा करिए और उसके बाद आप खुद ये देखेंगे कि कितने परिवर्तन आएंगे। लेकिन हाँ, यदि आप ये चाह रहे हैं कि मैं सही तरीके से पूजा करूँ, यदि मैं संकल्प लेकर पूजा करूँ, तो सबसे पहले भगवान विष्णु के सामने आप जाइए और आप उनको मन ही मन ये बता दीजिए कि हे भगवान विष्णु, मैं ये संकल्प ले रहा हूँ कि मैं तकरीबन 3 महीने तक आपकी पूजा करूंगा, विधि विधान के साथ पूजा करूंगा। दिन और समय मैंने आपको बता दिया है, कोशिश करिएगा कि उसी दिन और उसी समय आप पूजा करेंगे। यदि उसी दिन के साथ आप पूजा करेंगे तो ये मानकर चलिए कि हमारी आधी जो चीजें हैं, जो हमारे आधे दुख हैं, वो दूर हो गए हैं, क्योंकि हमने सही दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है पूजा करने का, क्योंकि सही समय और सही मुहूर्त होना बहुत जरूरी होता है। इस मुहूर्त में आप पूजा करते हैं, प्रातःकाल करिए, कोशिश करिए कि आप प्रातःकाल कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, गुरुवार का दिन चुनिए क्योंकि ये विष्णु जी का दिन होता है। मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करूंगा, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सबके घर में हमेशा सुख समृद्धि रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा पर बरसती रहे, धन धान्य भरपूर हो। और आप कोशिश यही करिए कि हमारे साथ जुड़े रहें। तमाम जानकारियां आप हमें कमेंट्स कर रहे हैं कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है, ये हमारे विश्वास बढ़ाता है आपके प्रति कि हम और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज, अच्छी अच्छी जानकारी आप तक लेकर आए।
आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय माता की।